हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएम गोमस कोटा। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे काइंड्स ऑफ शेयर्स की। लास्ट वीडियो में अपन ने कंप्लीट किया था कंपनी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो अपन ने कंप्लीट की थी, और यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे शेयर्स। अभी शेयर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। देखो, पहले शेयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं अपन। जब पब्लिक क्या करती है, किसी भी कंपनी में एज ए कैपिटल अपना अमाउंट इन्वेस्ट करती है, तो उसे ही अपन बोलते हैं शेयर्स। इन शेयर्स की प्राइस होती है, किसी कंपनी के शेयर्स 10 रुपये का एक होता है, किसी का 50 रुपये का एक है, किसी का 100 रुपये का एक है, तो किसी का 500 का एक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। अब ये शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं या शेयर्स कितने तरीके के हो सकते हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट होता है प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं, जब भी देखो पब्लिक ने पैसा लगाया है एज अ कैपिटल इस कंपनी में, तो वापस भी तो देना पड़ेगा ना पब्लिक को, ठीक है। तो ये जो पब्लिक होती है ना, जिनके पास ये शेयर्स हैं कंपनी के, तो इन्हें अपन बोल सकते हैं शेयर होल्डर भी। जिसके पास शेयर है, शेयर को होल्ड करके रखने वाला शेयर होल्डर, ठीक है। अभी शेयर होल्डर हो गए, अब ये जो शेयर होल्डर है उनको पैसा भी चाहिए जब भी कंपनी बंद होगी तब। तो कंपनी जब वाइंड अप होगी, जब भी कंपनी बंद होगी वाइंड अप, ठीक है, तो सबसे पहले जिसे राइट्स होंगे कैपिटल लेने के, तो वही कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर रेट से या पर्टिकुलर रेट ऑफ डिविडेंड से, यहां पर याद रखें आप, पब्लिक है, पब्लिक इस कंपनी में पैसा लगा रही है एज ए कैपिटल, तो वो भी चाहिएगी ना यार कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो तो मुझे भी कुछ पार्ट मिले। तो पब्लिक को जो कंपनी से मिलता है पार्ट, उसे अपन बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो चाहेगी यार पब्लिक मुझे भी कुछ मिले, नहीं तो मेरा क्या फायदा पैसा लगाने का, इससे बढ़िया तो मैं एफडी में डाल दूं पैसा, ठीक है। तो उनको एज अ डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखें यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले कंपनी जब वाइंड अप होगी तो फर्स्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है उनकी कैपिटल का। देन सेकंड थिंग कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहती है यहाँ पर, कि डिविडेंड जो दिया जाएगा उसकी रेट फिक्स रहेगी। किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है। अब जिनके पास इक्विटी शेयर्स है तो इनकी रेट ऑफ डिविडेंड क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। यूं बोले अपन कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के बोर्ड्स के जो मेंबर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि बाद में कि कितना परसेंट इनको डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी जब वाइंड अप होगी तो सबसे पहले तो किनको मिलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनका पैसा मिलेगा कैपिटल का। बाद में फिर किनको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बस इक्विटी शेयर होल्डर की यहां पर एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि इनको इस कंपनी की जनरल मीटिंग्स में वोट देने के राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। ये आप याद रखें, इसलिए ज्यादा रिस्क कवर करते हैं कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। और ये न्यू बोलते अपन ऑनेस्टी भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है, एकदम जुझारू रहते हैं एक तरीके से न्यू बोलते अपन, कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। अब इन दोनों के बारे में डिफरेंस अपन बाद में कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले तो दो टाइप्स है काइंड्स ऑफ शेयर्स के, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं, सपोज करें किसी ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है, लॉस हुआ है भैया, तो अब डिविडेंड कैसे देंगे यार? इस साल तो मैं डिविडेंड नहीं दे पाऊंगा, तो अगले साल देना पड़ेगा डिविडेंड, ठीक है। तो अगले साल भी वो जो पिछले साल का डिविडेंड था, तो फर्स्टली जो राइट्स होते हैं वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को राइट होते हैं डिविडेंड लेने के, सबसे पहले पिछले वाले साल के भी, मतलब लास्ट ईयर का भी डिविडेंड लेने के जो राइट्स होते हैं फर्स्टली, वो किनके होते हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के, ठीक है। तो ये है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा होता है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नाम से समझ रहे हैं आ रहा है इसका जस्ट अपोजिट, कि जब भी प्रॉफिट या मतलब लॉस हो रहा है या प्रॉफिट एक प्रॉपर नहीं है अपने पास, ठीक है ना, तो फिर नेक्स्ट वाले ईयर सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा लास्ट ईयर का वो इनको दिया जाएगा, और जो नहीं दिया जाएगा वही क्या क्यों हो जाएंगे? नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे। मतलब एक दूसरे के क्या है? जस्ट अपोजिट है ये सभी, ऐसे याद रखें आप,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कि सबसे पहले तो डिविडेंड किनको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, देन किनको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। अब सपोज करें फिर भी डिविडेंड बच गया कंपनी के पास, इतना सारा डिविडेंड था कि फिर भी डिविडेंड बच गया, तो अब उस बचे हुए डिविडेंड में भी जो राइट्स हैं पे और डिविडेंड लेने के, तो वो किसके हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के हैं, पार्टिसिपेट करने के राइट्स हैं। मतलब यूं समझे आप, जो रिमेनिंग डिविडेंड बचा हुआ है उसमें भी पार्टिसिपेट करने के जो राइट्स हैं वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के हैं। इनको ऐसे याद रखें आप नाम से, ठीक है। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग जैसे उसका रिवर्स, यानी कि जो रिमेनिंग बचा हुआ डिविडेंड है उसमें राइट्स नहीं होते हैं इनको डिविडेंड लेने के, इसे अपन बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देन आता है कन्वर्टिबल। अब कन्वर्टिबल क्या हो गए, ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर्स में, जिनको अपन प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में क्या कर दें, कन्वर्ट कर सकें, वो कहलाते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। दूसरा आता है नॉन कन्वर्टिबल, यानी कि ऐसे शेयर्स या ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको अपन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसे अपन बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। देन आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका एक टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट करना होता है, रिडीम का मतलब पेमेंट करना होता है, यहाँ पर पेमेंट करना होता है एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, व्हाटएवर जो भी डिसाइड करती है कंपनी, ठीक है। उस टाइम पीरियड में इन प्रेफरेंस शेयर्स का आपको पेमेंट करना होता है, उसे अपन बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जैसे इसका रिवर्स है ये भी, ठीक है, ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसका कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में पेमेंट ही नहीं करती है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। अब यार ये तो बड़ी दुविधा होगी कि जब कंपनी बंद होगी तभी इनका पेमेंट होगा, तो हर कोई कंपनी बंद करने की सोचेगा या माइंड में लेगा अगर जिनके पास ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो याद रखें आप, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऐसे जो शेयर्स हैं इनका इश्यू रोक दिया है कंपनी ने, ठीक है। कंपनी एक्ट ने इस तरीके के शेयर्स इशू करना रोक दिए हैं, अब कंपनी इस टाइप के शेयर्स इशू नहीं करती, याद रखिए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये तो थे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, ठीक है, और ये था इक्विटी शेयर्स। आई होप समझ में आया होगा आपको काइंड्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बने रहिए आप सीएम कॉमर्स कोटा से। थैंक यू सो मच।